राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की चुनाव को लेकर बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। सबसे पहले अखिलेश यादव ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि जयंती के दिन उनसे प्रेरणा लेते हुए हम सब संकल्प लेते हैं कि समाज में भेदभाव खत्म हो और जो समय समय पर ऊंच नीच पैदा होती है उसको समाप्त किया जाए। चुनावी प्रक्रिया को लेकर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को समाज में नफरत फैलाने से फुर्सत नहीं है, अब इनके जाने का समय है। महाराष्ट्र में मैं कल जा रहा हूं, हमारी कोशिश होगी कि इंडिया गठबंधन के साथ लड़े। हमें उम्मीद है जहां हमारे दो विधायक थे वे हमें सीट भी ज्यादा देंगे और हम पूरी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होंगे। वही बहराइच की घटना को लेकर उन्होंने कहा कि यह शासन प्रशासन का फेलियर है। जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात करते थे, जो कहते थे कि हर आयोजन को शांतिपूर्ण ढंग से करवाते हैं, आखिर बहराइच में इतना बड़ा आयोजन हो रहा था तो वहां पर पर्याप्त पुलिस सुरक्षा क्यों नहीं थी? भारतीय जनता पार्टी को समाज में नफरत फैलाने में फुर्सत नहीं है, अब तो जाने का समय है। अब उतना समय सरकार के पास नहीं है जितने समय सरकार ये लोग चला चुके हैं। जो घटना हुई दुखद थी और ऐसी घटना समाज में ना हो। जो वहां पर फेलियर था, हमारे साथी ये पूछ रहे हैं कि आप क्या करते या क्या परिवार से मिलेंगे। जो दुखी परिवार होगा उसको न्याय दिलाने के लिए हम लोग काम करेंगे। लेकिन सवाल ये वही खड़ा हो जाता है कि सरकार की नजर में भेदभाव नहीं होना चाहिए। सरकार जो अंग्रेजों ने कभी नारा दिया था डिवाइड एंड रूल, सरकार उसी पे काम कर रही है, डिवाइड एंड रूल।